बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त कह रहे होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्थ की भी अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। अच्छा, तो दोस्तों आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, मैं आज आपको अपने सारे बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाऊंगा, जो मेरे बर्ड्स की प्रोग्रेस चल रही है, जितने भी मेरे पास बर्ड है उनके पास क्या, उनकी क्या क्या ब्रीड आई है और किस तरह की मेरे पास प्रोग्रेस चल रही है, वो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैंने जो सेकेंड लास्ट वीडियो है मेरी, मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं कुछ दिन तक कुछ बाय करने वाला हूँ और मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन एज अ शो ऑफ मैंने वो शेयर चीज़ें नहीं की, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा था कि सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि एप्पल का जो था लेटेस्ट मॉडल है मोबाइल का, आईफोन 12 प्रो मैक्स, सॉरी एक्चुअली मैं बताता चलूँ कि मैंने जो लिया है वो 12 प्रो मैक्स लिया है, इस वजह से मेरे मुँह से बार बार 12 प्रो मैक्स ही निकल रहा है। तो मैंने आप सब दोस्तों को बताया था कि मैं वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों आपको क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में भी बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पहले मैं वीडियो शूट करता था वो ओप्पो A5 2020 था, और अब जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो आईफोन 12 प्रो मैक्स से कर रहा हूँ, तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा, बल्कि मेरे पास जो फर्स्ट ब्रीड के पहले पहले क्लचेस हैं वो भी आ गए। अब जो मैं ये ब्रीड शेयर करूँगा, ये सेकेंड एंड थर्ड क्लचेस की ब्रीड शेयर करूँगा जो मेरे पास ब्रीड आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस साल मैंने कोई भी किसी भी किस्म का सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, सिर्फ अच्छी डाइट रखी, और अच्छी डाइट से भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन मेरे ख्याल में सप्लीमेंट है जो बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें लाजमी सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सब दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ जो मेरे बर्ड्स की प्रोग्रेस आई है। तो दोस्तों ये जो बर्ड्स हैं, ये आपको सब दोस्तों को पता है कि अभी तक पट्ठे हैं। अच्छा, इनमें से एक पेयर जो है वो मेरा क्रॉस हो रहा था, तो अभी चार पेयर कन्फर्म मेरे चार पेयर, और उनके मैंने DNA भी करवा लिया, लेकिन इनमें से एक पेयर को मैंने क्रॉस होते देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बॉक्स लगा दिया जाए, शायद कोई अच्छी ब्रीड आ जाए। तो स्टिल ये बर्ड बॉक्स में जा रहा है एक पेयर, देन देखते हैं क्या बनता है। बॉक्स का ऑप्शन आया था, मैंने बॉक्स लगा दिया, आप सबको पीछे नज़र आ रहा होगा, और इधर ये सब मेरे मेल हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियो देखते हैं उन दोस्तों को, सब दोस्तों को तो पता होगा ये जितने भी हैं ये सारे मेरे मेल हैं, और यहाँ पर जितनी भी फीमेल बैठी हैं एक इसमें मेल है, ये भी फीमेल बैठी हुई है, और ये बाकी सारी फीमेल है। अच्छा, आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अब की और पहले की जो वीडियो थी मेरी, उसमें कुछ फ़र्क आया या इसी तरह वीडियो है? तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारे मेरे ब्रीडर पेयर है, लव बर्ड रखे हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैं शेयर करूँगा, ये अल्बिनो रेड आई का मेरा पेयर है, बहुत ही अच्छा पेयर है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसने लास्ट ईयर मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, और इसका फर्स्ट क्लच था जो कि मेरे पास 5-6 स्टार थे वो सेल्फ हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड क्लच माशाल्लाह से मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, बॉक्स जो अंदर लगाने का जो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो रही। तो ये माशाल्लाह चार बच्चे आए हैं, चार बच्चे ऐसे थे इसमें, चार ही ऐसे सेकंड क्लच में दिए थे, लेकिन दो बच्चे इसके एक्सपायर हो गए थे, और दो बच्चे बचे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें दूसरे पेयर के इसके नीचे बच्चे रख दीजिए और दूसरे पेयर को दूसरी पेयर पर लगा दी जाए। तो इसके नीचे इस टाइम अल्बिनो की इसके खुद के दो बच्चे पा रहे हैं, और एक दो बच्चे इस पेयर के पा रहे हैं। इसमें आपको शायद पता हो, ये पाब्लो यूंगा मेरे पास मेल है, और इसके साथ इसकी फीमेल है माशाल्लाह से, इसकी अब सेकंड ब्रीड जा रही है। फीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव है, बॉक्स के पास भी नहीं आने देती है, देखें क्या मेरे पास ऊपर अटैक करेगी, तो ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करते माशाल्लाह से। इसने एग लेकिन कर दी हुई है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वो देखें। तो ये मेरा क्रीम की वर्किंग के लिए है। अब थर्ड नंबर पर मेरे पास ये है एग्जीबिशन का पेयर, इसने भी मुझे फर्स्ट प्ले दी थी जिसमें मुझे इसने पांच बच्चे दिए थे, अब ये सेकंड क्लच के लिए रेडी है। मे भी इसने क्लेइंग कर दी हो या नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि फीमेल ने
झोल बना लिया। अब देखते हैं क्या आप सब, इसका तो मुझे भी नहीं पता किसने अभी तक क्या किया, ले किया कि नहीं, बस मुझे इतना पता था किसने झोल बनाया हुआ है, बाकी देखते हैं। माशाल्लाह से फर्स्ट टैक आ गया, ये देखें तो इसका भी माशाल्लाह सेकंड ग्रेड का फर्स्ट टैक आ गया। और दोस्तों मेरे ख्याल में वीडियो क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई होगी। अच्छा यहाँ पर अब मेरे पास ये पिंचेज हैं, तो ये पिंचेज माशाल्लाह से, इसलिए मेरे पास तीन मेल थे और एक फीमेल थी जिसने ब्रीड की थी, और लास्ट क्लच में मुझे चार बच्चे निकाल के दिए थे, वैसे ही मैंने शौक के लिए बस रखा है, तो ये अच्छी लगती हैं। तो अब सेकेंड ब्रीड भी की थी और माशाल्लाह से इसने थर्ड ब्रीड भी शुरू कर दी है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जितने भी इसके बीच में पट्टे बच्चे निकले हुए हैं, तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो बच्चे हैं, और मैंने देखा था कि ये देखें एग्स भी आए हुए हैं, ये दो बच्चे निकले हुए हैं और एग्स भी इसने दोबारा थर्ड ब्रीड के लिए ले कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसके पास, लेकिन बस ये फिर मैंने शौक के लिए रखा है। और इंशाल्लाह हाँ नेक्स्ट ईयर जो मेरे पट्ठों से पेड़ हैं राह के बीच सनकनोर के बीच में भी मेरे पास पेड़ हैं, वो तैयार हो जाएंगे, तो वो आपके साथ जितना भी मेरे पास मेरा रिजल्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सारा मैं अपने सेट्स के बारे में भी वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़िमानिल्लाह।